Hi, welcome back to my channel Care of Moutushi. So first of all, extremely sorry, मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया. मेरी काफी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ. तो बता देते, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. एक्चुअली मैं फिजिकली एंड पर्सनली बहुत ही उलझन में थी. और यस, मैं फाइनली आज से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो शूट करना एंड ट्राई करूँगी हर दिन एक नई वीडियो लेके आना आप लोगों के लिए. और मेरी तरफ से आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2019. आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहे. एंड 2019 की फर्स्ट वीक में मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. पिछले 9 ईयर से मैं वो प्रॉब्लम को झेल रही थी. सो फाइनली वो सॉल्व हो गई है 2019 की फर्स्ट वीक में. सो आई विश कि 2019 मेरे लिए अच्छा रहेगी, क्योंकि यू नो ईयर की फर्स्ट वीक में ही इतना अच्छा काम हो गया है. सो आई होप कि 2019 मेरे लिए बहुत ही अच्छी रहेगी. एंड आई होप आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी रहेगी 2019. मैं यही प्रे करती हूँ. ओके, और एक गुड न्यूज है, दैट इज मेरी चैनल में नाम मोनिटाइजेशन ऑन हो गई है. सो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो मूवमेंट आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज मैं तभी इल थी. दिसंबर 22nd, दैट वॉज आई मीन दैट डे वॉज माई बर्थ डे. और जब मैं सुबह में, मेरी एक हैबिट है कि मैं जब रात में सोने जाती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ मेरे सब्सक्राइबर क्या है. और सुबह में उठ के ही फर्स्ट में करती हूँ मेरी फ़ोन पे नेट ऑन करती हूँ एंड फर्स्ट में चेक करती हूँ मेरी सब्सक्राइबर कितना गेन किया है. तो 2018 की 22nd दिसंबर में भी मैं वही कर रही थी. जब सुबह में मैं मेरी अकाउंट ओपन किया, आई वॉज जस्ट शॉक. मैं शॉक हो गई थी कि मेरी मोनिटाइजेशन ऑन हो गई है. सो बर्थडे के दिन पे मेरी वो वाला गिफ्ट, आई थिंक यूट्यूबर क्रिएटर्स ने मुझे बर्थडे के दिन इतना बड़ा एक गिफ्ट भेजा, दैट इज मेरी मोनिटाइजेशन उन लोगों ने ऑन किया. सो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ. सो बहुत हो गया बातें चाहते, तो चलिए अब जाते हैं वीडियो पे. सो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो एक रिव्यू वीडियो है. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. बट वीडियो में जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब के लिए आपको करना है रेड कलर के बटन को प्रेस, और उसकी बगल में तीन मिनी सा बेल बटन है उसे भी आपको हिट करना है, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है. वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. जो प्रोडक्ट के ऊपर मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये वाव की 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल. और ये प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे रिव्यूज है यूट्यूब पर, बट आई थॉट मैं इसे यूज करूँ तो मुझे भी हक बनता है ना इसके ऊपर हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करना आप लोगों के साथ. और वाव के जो सारे प्रोडक्ट्स है गाइज, वो अभी तक तो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट इजिली अवेलेबल ऑनलाइन पे लाइक नायका, पर्पल, अमेजोन पे. और ये है वाव की 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल. मैं वाव की एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड उसके साथ साथ कोकोनट जो कंडीशन है उसे भी मैंने यूज किया था, एंड रिव्यूज भी बहुत ही अच्छी थी उसकी. तो अगर आप चाहते तो मैं वो दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रिव्यू डालूंगी. एंड ये है हेयर ऑयल, और ये हेयर ऑयल की प्राइस है 600 रुपीज, आई मीन 599. और इसकी जो नेट क्वान्टिटी है 200 ml. और वाव के सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन सल्फेट फ्री है, उसके साथ साथ सिलिकॉन सॉल्ट फ्री भी है, जो कि 100% सेफ टू यूज. और ये जो हेयर ऑयल, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है गाइस, लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, मोरोकन ऑर्गन ऑयल, विरिंगराज जोजोबा ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो कि हमारी हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर. और ये जो हेयर ऑयल है, क्लेम करता है हमारी हेयर को, हेयर की रूट्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, डिटैंगलिंग, सॉफ्ट हेयर, डैंड्रफ कंट्रोल एंड रिड्यूस हेयर फॉल, लेस मॉइस्चराइज लॉस, कंडीशनिंग, यानी कि एक ही हेयर ऑयल में आपको इतना सारी बेनिफिट्स मिल रही है, विच इज ग्रेट, अमेजिंग. और ये आते कुछ इस टाइप कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में, एंड हेयर ऑयल की जो बॉटल है, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है,
बिकॉज पंप सिस्टम है, सो ये बहुत ही इजी टू यूज है एंड ये 100% नॉन स्टिकी तो नहीं है बट स्टिकी भी नहीं है, मीडियम टाइप का है। अगर आप रात में इसे आप अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग पे आपको डेफिनेटली शैम्पू कर लेना चाहिए बिकॉज ये 100% नॉन स्टिकी नहीं है बट स्टिकी भी नहीं है, यू नो मिडिल काइंड ऑफ है। एंड इसकी जो स्मेल है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्मेल लेते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर जो सारे इंग्रेडिएंट्स है सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। अब आते हैं ये हेयर ऑयल काम करता है कि नहीं। गाइस मैं इसे ऑन मंथ एंड 15 डेज हो रही है मैं ये हेयर ऑयल को यूज कर रही हूँ। ये हेयर ऑयल को यूज करने के बाद मैं मेरी हेयर पे ना कुछ चेंजेस फील की है, लाइक मेरी हेयर पहले से ज्यादा सॉफ्ट लगती है एंड उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा शाइन आया है मेरी हेयर पे। और टैंगल तो नहीं, मेरी कर्ली हेयर है बट आई फील कि मेरी हेयर ना पहले से बहुत गुना ज्यादा टैंगल फ्री हो गई है। और मेरी स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम थी बिकॉज मेरी ऑयली डैंड्रफ है और विंटर आते ही वो ड्राई हो जाता है एंड जिन लोगों की ऑयली डैंड्रफ होते हैं उन लोगों की स्कैल्प में ना इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बट ये हेयर ऑयल को अप्लाई करने के बाद यूज़ करने के बाद आई फील कि मेरी स्कैल्प में जो इचिंग की प्रॉब्लम थी वो चली गई है। और यस स्प्लिट एंड्स बिल्कुल नहीं है मेरी हेयर पे, ये 100% वर्क करता है स्प्लिट एंड्स रिमूव करने में एंड उसके साथ साथ हेयर फॉल को भी ये कंट्रोल करती है। मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी क्योंकि मैं बहुत पावरफुल मेडिसिन ले रही हूँ, सो डॉक्टर ने भी बोला कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लाइक पिंपल हेयर फॉल, तो मेरी हेयर फॉल हो रही है फिर भी मैं ये बोलूँगी 85% तक ये मेरी हेयर पे काम कर रही है, हेयर फॉल पहले से कम हो गया है। सो अगर आप कोई अच्छा हेयर ऑयल ढूंढ रहे हो ना गाइस यू कैन गो फॉर इट। 600 रुपीज इसकी प्राइस है तो किसी के लिए ये लिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव लग सकती है बट मैं ये बोलूँगी ये जो हेयर ऑयल है बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है बिकॉज इसकी जो पंप सिस्टम है ना इसकी वजह से आप इजीली अपने स्कैल्प पे इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये ना इजीली 2 मंथ तक चली जाएगी अगर आपकी हेयर की लेंथ मीडियम है तो। सो गाइस ये जो हेयर ऑयल है ओवरऑल मुझे बहुत ही पसंद आया, आई एम इम्प्रेस्ड बिकॉज इसकी जो क्लेम्स है 99% तक ट्रू है। अगर आप थोड़ी सी बजट बढ़ा सकते हो अपने हेयर प्रोडक्ट के लिए, कोई अच्छा हेयर ऑयल आप ढूंढ रहे हो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, हाईली मैं रिकमेंड करती हूँ। और एक बात मैंने नोटिस किया कि ये हेयर ऑयल ना सर दर्द को भी ठीक करता है। सो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है बिकॉज डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है, बालों को डिटैंगलिंग बनाने में मदद करते हैं, सॉफ्ट शाइनी बनाती है। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट बिकॉज एक हेयर ऑयल के अंदर इतना सारा बेनिफिट्स। और तो चलिए अब इसे अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे इसे अप्लाई करते हैं। तो ये हेयर ऑयल को अप्लाई करने से पहले अपने हेयर को बहुत ही अच्छे से कंघी कर लो एंड जितनी भी टैंगल्स हैं सारे के सारे टैंगल्स को बहुत ही अच्छे से रिमूव करने के बाद आपको ये हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। तो मैं पार्टीशन कर करके ये हेयर ऑयल को अप्लाई कर रही हूँ और हर एक पार्टीशन में आपको सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स हेयर ऑयल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हेयर ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगती है। और ये इसकी जो पैकेजिंग है इसकी वजह से ये जो पंप सिस्टम है ना इसकी वजह से बहुत ही आसान हो जाता है बालों की रूट्स पे ये हेयर ऑयल अप्लाई करना। तो मैं पहले मेरी पूरे स्कैल्प पे से अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद लेंथ एंड हेयर की टिप पे अप्लाई करूँगी। तो मैं थोड़ी सी मेरे हाथों पे लेके फिंगर की हेल्प से लेंथ पे इसे अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही हल्के हाथों से एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी मसाज कर लूँगी फिंगर की हेल्प से, मैं मसाज कर रही हूँ फिंगर की टिप से। कभी भी ऐसे आपको अपने नेल्स को यूज़ नहीं करना है, फिंगर की टिप से अपने हेयर को मसाज करना चाहिए एंड उसके बाद मैं कंघी कर लूँगी अगेन। और अब देख सकते हो मेरी कंघी पे बिल्कुल भी बाल नहीं है। तो अब मैं हेयर बैंड की हेल्प से मैं मेरी बालों को सिक्योर कर लूँगी और बहुत ही ढीला करके मैं बालों को सिक्योर करूँगी। कभी भी ज़्यादा टाइट करके अपने बालों को सिक्योर मत करना रात में सोने के बाद। सो
सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा एंड हेल्पफुल रहा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए आपको करना है रेड कलर की बटन को प्रेस और उसके बगल में टीनी मिनी सा बेल बटन है उसे भी आपको हिट करना है ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को करना एक लाइक एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और प्लीज मेरे चैनल को देखती रहिए, मेरी वीडियोस को देखती रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।